Good morning friends, welcome back to digital platform of Online Study Adda Allahabad। मैं आपकी बार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पे करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और मज़े कर रहे होंगे, साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम पे हमने आपको कंसेप्ट बताया था एरेज का, वहीं से आज फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एरे क्या होते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे के अंदर हम इनपुट कैसे करेंगे, उसको एक्सेस करके आउटपुट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद एरेज। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एरे क्या होता है और उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एरेज की। तो जैसा कि हमने कल बताया था, एरे क्या होता है? एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर होमोजीनियस डेटा टाइप एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय अ कॉमन मेमोरी। ये ग्रुप ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन है जिसमें होमोजीनियस डेटा स्टोर किया जाता है, यानी एक जैसा ही डेटा स्टोर किया जाता है और उनको सभी को, उन सभी मेमोरी लोकेशन को एक ही नाम से एक्सेस किया जा सकता है, राइट। तो डेफिनेशन क्या था? इट इज अ ग्रुप ऑफ contiguous memory locations contiguous का मतलब जो एक अगल बगल हो, एक साथ हो, that store homogeneous data type and can be accessed by a common name। और उन सभी मेमोरी लोकेशन को एक ही नाम से एक्सेस किया जा सकता है। ये तो हुआ डेफिनेशन ऑफ एरेज की। जब आप इंडिविजुअल डेटा डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने कहा int a B, C, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए तो इनके लिए मेमोरी एलोकेट होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए, बी और सी मेमोरी में अगल बगल हो, कंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए होता क्या है, आपके कंप्यूटर में जितनी भी खाली मेमोरी होती है, रैम जितनी भी खाली होती है, उससे हम लोग कहते हैं हीप। क्या कहते हैं? हीप। आपके कंप्यूटर में जो रैम इस समय खाली है, देखिए रैम काफ़ी ज़्यादा है, 2 GB 3 GB जैसे आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, उसमें से कुछ पोर्शन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसी रैम में थोड़ा बहुत कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन कर रहा होगा। तो जो खाली बचा जगह उसको कहते हैं हीप। क्लियर? तो जब आपने कहा ए, बी, सी तीनों इंटीजर टाइप का है, तो कंपाइलर क्या करेगा? 2 बाइट इसके लिए, 2 बाइट इसके लिए और 2 बाइट इसके लिए, इस हीप से निकाल देगा, हीप से एलोकेट कर लेगा। 2 बाइट ए के लिए, सपोज यहां से निकाला, बी के लिए 2 बाइट, सपोज यहां से निकाला, सी के लिए 2 बाइट, सपोज यहाँ से निकाला। अब देख रहे हैं 2 बाइट निकाला जरूर, आपने डिक्लेयर किया अगल बगल, बट मेमोरी में कहाँ से हटाया? निकाला उसने अलग अलग जगह से। हो सकता है कि यही अगल बगल से भी निकाल लें, बट ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, पहली चीज। बट जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने कल बताया था, एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? एरे डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है? डेटा टाइप, डेटा टाइप, पहले नेम, उसके बाद उसका साइज यानी उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करना है ना, ये इसका सिंटैक्स है। उदाहरण के लिए मुझे एक एरे बनाना है जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं और इंटीजर टाइप के, तो डेटा टाइप हो गया इंटीजर। एरे का नाम सपोज हमने रख लिया ए, तो ऑलरेडी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज एक्स रख लिया। एरे का नाम क्या हो गया एक्स, साइज बता दी 5, जितने एलिमेंट स्टोर करने हैं वो। तो अब ये क्या करेगा, सपोज ये आपका हीप है, इस हीप से कितनी मेमोरी एलोकेट कराएगा 5 × 2 10 बाइट, लगातार 10 बाइट। तो 10 बाइट यहां से लेके यहां तक सपोज निकाला और वो पूरा किसके लिए रिजर्व कर दिया एक्स के लिए, 1 2 3 4 और 5। ये मेमोरी लोकेशन आपस में एक दूसरे के अगल बगल होंगे और सभी का नाम क्या होगा एक्स। तो ये हो गया एरे, मेमोरी में कुछ इस तरह से एलोकेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत? ये हमने कल बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, एरे को इनिशियलाइज करना। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सपोज आपने कहा int a = 5, तो ये आपने एरे को सॉरी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, इसमें एक इनिशियल वैल्यू डाल दी, तो मेमोरी एलोकेट हुआ a के लिए और उसमें क्या स्टोर कर दिया 5। तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। हमने ये बताया था अगर आपने इनिशियल वैल्यू नहीं डाला तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहता है गार्बेज वैल्यू, और नंबर के लिए गार्बेज वैल्यू रहने से कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने नंबर को इनिशियलाइज कर लें, नंबर को क्या करें इनिशियलाइज कर लें। अगर जोड़ने के लिए नंबर यूज कर रहे हैं तो 0 से इनिशियलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए इनिशियलाइज कर रहे हैं तो 1 से करते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ने में 0 है, किसी नंबर में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 7 रहेगा तो 7 ही रहेगा। इसीलिए मल्टीप्लाई करने में अगर 0 होता तो क्या होता, 0 × 7 0 हो जाएगा, तो बदल जाता है। तो वहाँ पे हम लोग 1 से करते हैं, 1 से इनिशियलाइज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि 1 × 7 वही रहेगा। तो अगर नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करना है तो हम उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और अगर उसको जोड़ने के लिए यूज करना है तो उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एरे को भी इनिशियलाइज कर लेना चाहिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब पुटिंग सम इनिशियल वैल्यू इन द एरे। ठीक है, वी मे स्टोर सम इनिशियल वैल्यूज इन आवर एरे, हम अपने एरे में कुछ स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वी कैन इनिशियलाइज एरे इन 2 वेज, हम एरे को 2 तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। कितने तरीके से? पहला तरीका कहलाता है डायनामिक इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाता है? डायनामिक इनिशियलाइजेशन। और दूसरा तरीका कहलाता है deferred initialization। एरे को इनिशियलाइज करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? डायनेमिक और डिफर्ड। जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। जैसे आपने ये जो किया है इसको कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? यहां पे देखिए क्या किया हमने, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए किस टाइप का है, और डिक्लेयर करते ही उसमें एक वैल्यू डाल दी 5। जैसे ही डिक्लेयर किया वैसे ही उसमें वैल्यू डाल दी। इसको कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? हम इसी को ऐसे भी कर सकते थे, IMD A और फिर लिखते A इक्वल्स टू 5। इसको कहेंगे डिफर्ड इनिशियलाइजेशन। मैंने पहले डिक्लेयर किया और बाद में उसमें वैल्यू स्टोर की, इसको क्या कहेंगे? डिफर्ड इनिशियलाइजेशन। डिफर करना मतलब सब कुछ समय के लिए टालना, डिफर करना मतलब कुछ समय के लिए टालना। तो यहाँ पे हमने टाल दिया, भले ही हमने अगले स्टेटमेंट में किया या एक और स्टेटमेंट की बात करते, बट हमने उस समय तो टाल दिया ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सॉरी, डिफर्ड इनिशियलाइजेशन। तो जैसे वेरिएबल को दो तरीके से कर सकते हैं, वैसे ही हम एरे को भी दो तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, डायनेमिक और डिफर्ड। चलिए हम देखते हैं कि डायनेमिक कैसे कर सकते हैं और डिफर्ड कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। हेडिंग डालिए, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो। पहले देखते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। वी स्टोर इनिशियल वैल्यूज इन द एरे एट द टाइम ऑफ declaring the array। अर्थात जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसमें इनिशियल वैल्यू डाल देते हैं, इसको क्या कहेंगे? डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्लियर? अब अगर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आपको डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए आप एक एरे बना रहे हैं x जिसमें 5 एलिमेंट है। उदाहरण के लिए हम एक एरे बना रहे हैं x जिसमें 5 एलिमेंट है और हम सब में 0 इनिशियल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। कितना स्टोर करना चाहते हैं? 0। तो कैसे करेंगे जरा देखो। डेटा टाइप इंटीजर, x एरे का नाम x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, क्योंकि हमें डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करना थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तरीका क्या होगा इधर जानना बेटा? यहाँ पे हम साइज नहीं बता रहे हैं, दिख रहा है क्या लिखा? डेटा टाइप, एरे का नाम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मतलब एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा मतलब एरे है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और इसमें कितने एलिमेंट हमने बताया था? 5, और 5 में क्या स्टोर करना है? 0। तो पहला एलिमेंट 0 कॉमा, दूसरा एलिमेंट 0 कॉमा, तीसरा एलिमेंट 0 कॉमा, चौथा एलिमेंट 0 कॉमा, पांचवा एलिमेंट भी 0। कठिन है? समझ में आया? जैसे ही आपने ये बताया तो x एक एरे मान लेगा और जितने इसमें वैल्यू डालोगे उतना उसकी साइज अपने आप हो जाएगी। 5 डाला, 5 बार 0 डाला, आप कोई जरूरी 0 डालो, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हो, जो भी डाला कितने बार डाला 5000। तो इस एरे की साइज कितनी हो गई, समझ में आ रहा है। तो ये हुआ एरे डिक्लेयर करने का और डायनामिक इनिशियलाइजेशन करने का तरीका। ठीक है, समझ में आया। अब इस तरीके में एक बड़ी दिक्कत की बात है, आप लोग भी समझ रहे होंगे वो दिक्कत क्या है। क्या दिक्कत है भाई, ये तो एरे छोटा था इसलिए 5 बार लिख दिया। अगर एरे की साइज 200 होती तो 200 पर 0000 लिखते, लिख सकते हैं, बट उसमें हमारा ही मेहनत समय वेस्ट होगा ना। अगर गलती से एक आध कम हो गया तो साइज कम हो जाएगी, एक आध ज्यादा हो गया तो साइज ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब छोटा एरे है तब तो आप उसको किस तरह से इनिशियलाइज करो, बट अगर एरे बड़ा है तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन वहां पे सूटेबल नहीं होता। आप खुद समझ रहे हो, क्लियर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन is useful if our array is small in size। अगर एरे की साइज छोटी हो तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन सूटेबल है, यूजफुल है। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा वाला जिसे हम लोग कहते हैं डिफर्ड इनिशियलाइजेशन। चले अब हम लोग दूसरे इनिशियलाइजेशन मेथड की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिफर्ड। अभी हमने बताया कि छोटा एरे है तब तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करने में कोई हर्ज नहीं, बट एरे की साइज बड़ी हो जाएगी तो आप खुद ही समझ रहे हो कि उतना वैल्यूज लिखने में हमें ही तकलीफ होने वाली है। तो प्रोग्रामर तो वैसे भी आलसी जीव होता है, इतना मेहनत नहीं करना चाहता, वो स्मार्ट वर्क करता है। हाँ, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, बड़ा एरे होगा तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, वो है डिफर्ड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर कर लेते हैं एरे को और बाद में उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, और बाद में अगर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं एरे में तो वहां पे हम लोग सहारा लेते हैं लूप का। किसका, क्योंकि एरे की साइज बड़ी है, मान लो 100 है 200 है, तो हम अगर सब में जीरो स्टोर करना है मान लो, तो हम बार बार लिखें x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2 या 0, लिखने में कोई मजा तो है नहीं। हम क्या चले एक लूप चलाए फॉर i = 0 to जितने एलिमेंट है, कितने 200 है तो 200, क्या करो x i = 0। i की वैल्यू जब 0 होगी तो x 0 में 0 होगा, i की वैल्यू जब 1 होगी तो x1 में 0 होगा, i की वैल्यू जब 2 होगी तो x2 में 0 होगा, एंड सो ऑन। तो सब में बारी बारी से 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, काम हो गया। यही है हमारा स्मार्ट वर्क, करें जरा देखा जाए। इन दिस मेथड वी फर्स्ट डिक्लेयर आवर एरे and then use a loop to store initial values in the array elements। array के elements में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इनिशियल वैल्यूज। किसके थ्रू, लूप के थ्रू। एग्जाम्पल, सपोज हमने डिक्लेयर किया int x20, तो इससे क्या पता लगा हमें अभिजीत, इससे क्या पता लगा, x एक एरे है जिसकी साइज कितनी है, यानी कि x में 20 एलिमेंट्स हैं। x में कितने मेंबर हैं? 20 मेंबर हैं। और सब में हमें क्या स्टोर करना है? जीरो। तो अब हम क्या करें, एक लूप चलाएं। लूप चलाने के लिए हमने एक वेरिएबल और ले लिया है int i टाइप, और लूप चला के हम क्या करें, x के सभी एलिमेंट में क्या डाल दें? जीरो। कैसे डालेंगे? फॉर i इज इक्वल टू जीरो, जब तक i की वैल्यू 20 से कम है i को क्या करें, बढ़ाते जाएं। और इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, x i बराबर जीरो। अब देखिए करेगा क्या, जैसे ही यहां आएगा एक एरे बनाएगा x, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 20 होंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक जाएगा? 19 तक जाएगा। एक और वेरिएबल बनाएगा i, ठीक है। अब यहां आया i की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। क्या i 20 से कम है? हाँ है। अंदर आया, क्या लिखा है? x जीरो बराबर जीरो। x जीरो यानी कि ये पूरा x है, x जीरो यानी कि पहला वाला। यहाँ पे क्या स्टोर कर देगा? i की वैल्यू जीरो, तो x जीरो में जीरो। इसके बाद यहाँ जाएगा i प्लस प्लस, i हो गया। क्या i अभी भी 20 से कम है? हाँ है। x 1, i के 1 है, तो x 1 बराबर जीरो। x 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर बढ़ेगा i, हो जाएगा 2, x2 जीरो। इस तरह से धीरे धीरे क्या करेगा, सब में जीरो भर देगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये लूप के थ्रू हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को क्या किया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे। हम अगर एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस करना मतलब उसकी वैल्यू को जानना चाहते हैं या किसी जगह पे यूज करना चाहते हैं, तो एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम एरे का नाम और उसके सब्सक्रिप्ट में उसका इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। सब्सक्रिप्ट में उसका इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक्स एरे का छठा एलिमेंट चाहिए। एरे एक्स का छठा एलिमेंट, छठा एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। ये एरे का छठा एलिमेंट कौन सा हुआ? x5 हुआ। कौन सा हुआ? तो हमें उसका एक्सेस करने के लिए एरे का नाम x, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर और उसके अंदर उसका इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे, टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे वी यूज एरे नेम फॉलोड बाय द इंडेक्स number in the subscript operator, index number in the subscript। clear? समझ में आया? तो क्या लिखा हमने, to access any element of the array we use array name and index number of the element in the subscript operator। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, to access seventh element of array x। अगर हमें array x के सातवें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? x array का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका सातवें एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 6। वेरी गुड, क्योंकि इंडेक्स की शुरुआत 0 से हो रही है ना, तो ये क्या करेगा? सातवें एलिमेंट को एक्सेस करेगा। आप जब एक्सेस करेंगे तो जब कंपाइलर उसकी वैल्यू ही देखेगा वहां पे क्या है, x6 में जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। प्रिंट कराओगे तो x6 की वैल्यू प्रिंट करेगा, x6 की वैल्यू क्या है? 0। इसको अगर फार्मूला में कहीं लिख रहे हो p = p + x6, तो p मान लो सबसे पहले 9 था तो p कितना हो जाएगा? 9 + x6 में क्या है? ठीक है ना। तो जब आप ऐसे एक्सेस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को ही एक्सेस कर रहा है। समझ में आया? जैसे हमारे पास 15 बच्चे हैं क्लास में, तो मैंने कहा स्टूडेंट नंबर 5, तो स्टूडेंट नंबर 5 क्या हुआ? 1 2 3 4 5। जब मैंने स्टूडेंट 5 कहा मतलब मैंने किसकी बात की? ज्वाला की बात की। समझ में आई बात? तो उसके इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारे वहां पे? 14 है, राइट। तो वैल्यू की बात करते हैं, भले स्टूडेंट 5 बोल रहे हैं बट हम किसकी बात कर रहे हैं? 14। इज इट क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट्स? अब देखिए, अगर हमें एरे में इनपुट लेना है, एरे में इनपुट लेना मतलब उसके हर एक एलिमेंट में इनपुट लेना है। पहले मान लो x एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, मान लो, ठीक है, मान लो मेरा x एक एरे है int x जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 10। तो ये हो गया मेरा एरे x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये x हो गया। इसका इंडेक्स नंबर हम लोग लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। अब इस एरे में मुझे इनपुट कराना है, वैल्यू स्टोर करने हैं, और इनपुट मतलब यूजर कुछ डाले, तो हमें बारी बारी से क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट में इनपुट लेना पड़ेगा। एक तो तरीका ये होगा कि हम लिखें scanf %d%d%d कितने बार? 10 बार, और वहां पे लिखे x0 x1 x2 x3, वेरिएबल लिस्ट में क्या लिखे हैं? x0 से लेके x9 तक, है ना। छोटे एरे के लिए तो ठीक है, बड़े एरे में 100 होता तो 100 बार % लिखते, लिख सकते हैं, बट वो मेरे ऊपर ही बोझ है। तो बेहतर क्या है, यहाँ पे भी हम क्या ही करें? लूप का प्रयोग कर दें। काम शॉर्ट करना है तो क्या कर लें भाई? हर बारी बारी से सब में इनपुट करा लें, एक बार इसमें फिर इसमें, तो एक लूप चला लो। आएगा कहाँ से? 0 to 9 तक, 0 to 9 तक, और हर बार इनपुट किसमें कराओ? x i में। तो i की वैल्यू 0 होगी तो इनपुट किसमें लेगा? x0 में। 1 होगी तो इनपुट किसमें लेगा? x1 में। i की वैल्यू 3 होगी तो इनपुट किसमें लेगा? x3 में। समझ में आ रही बात? तो ये तरीका हम लोग यूज करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग? टू एक्सेप्ट इनपुट इन द एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे वी यूज अ लूप। वी विल यूज अ लूप। मान लेते हैं x एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट है और हमने लूप चला दी। एक लूप के लिए वेरिएबल ले लिया है i। अब इनपुट कैसे कराएंगे देखो जरा। for i = 0 कहां तक जाएगा? 9 तक। i is <10 <10 लेस देन इक्वल्स टू 9 लिखें या लेस देन 10 करें? बात देखी है ना। तो हमने लिखा लेसन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस। अब इसमें इनपुट लेना है तो पहले मैंने मैसेज दिया प्रिंटर एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं स्कैनर परसेंट डी, और इनपुट किसमें लेना है एम्परसेंट एक्स ऑफ आई में। इनपुट किसमें लेंगे एक्स एरे का नाम आई, जब आई की वैल्यू 0 है तो किसमें इनपुट लेगा x0 में, आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो किसमें इनपुट लेगा x1 में। और इसके बाद अच्छी है बेटिया f प्लस। आप देखिए आपने एक लूप चलाया 10 एलिमेंट इनपुट कराए, समझ में आई बात, इज दैट क्लियर, किसी को कोई डाउट। अब ये जब भी लूप में आएगा आई की वैल्यू 0 से 9 तक जाएगा, हर बार आपके मैसेज लेके आएगा एंटर ए नंबर, और फिर इंतजार करेगा आप एक नंबर डालिए। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो इनपुट होगा x0 में, 1 होगी तो इनपुट होगा x1 में, 2 होगी तो x2 में एंड सो ऑन। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी कंडीशन फॉल्स होगा बाहर आ जाएगा, समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो ये है आपका इनपुट लेने का तरीका। सिमिलरली अगर हमें एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है, सारे एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो या तो हम 10 बार लिखें प्रिंट %d% करके 10 बार, या फिर हम यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हैं लूप चला सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं similarly to print the elements of array we may use a loop। इसी प्रकार से अगर हमें प्रिंट करना है array के एलिमेंट्स को तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं लूप का। कैसे? वही तरीका क्या, for i is equals to 0, i is less than 10, i plus plus, और यहाँ पे क्या किया printf परसेंट d, और यहाँ पे a सॉरी एरे का नाम क्या है x और i। क्या करेगा बारी बारी से, जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या प्रिंट करेगा x0 यानी कि ये वाला वैल्यू, फिर जब i की वैल्यू 1 होगी तो x1 यानी कि ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा x1। हो गया काम, यही तरीका है, इज दैट क्लियर। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको दो तरीके से इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, पहला डायनेमिक, दूसरा डिफर्ड। तीसरा तरीका हमने देखा एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, फिर हमने देखा कि एरे में कैसे इनपुट लिया जाता है और कैसे एरे को आउटपुट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।